तो ये है एक एसर का 500 सीरीज का मदरबोर्ड जो कि B560AM4M5। ये देखो इसका मॉडल नंबर, ये देखो B560AM4M5 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें डिस्प्ले तो आ रहा है बोर्ड में, पर क्या है 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, लगभग ऐसे ऐसे टाइम पे, कभी कभार 15 मिनट पे हो रहा है, कभी कभार 10 मिनट, नहीं 10 मिनट से ज़्यादा है, 10 मिनट नहीं है, कभी कभार 18 मिनट, कभी कभार 20 मिनट, ऐसे ऐसे बाद ये माउस जो है, माउस और कीबोर्ड दोनों ही स्टक हो रहा है, और विंडोज़ तो ओपन है वैसे ही रह रहा है। तो अभी देखो इस बोर्ड, अभी तो देखो ये बिंदास चल रहा है, अभी तो 20 मिनट वेट करना तो पॉसिबल नहीं है, पर ये क्यों हो रहा है और क्यों हो सकता है मैं बस सोल्यूशन दे के जा रहा हूँ। और ये ऑन कर दिया, डिस्प्ले हमारा आ चुका है, देख सकते हो ये देखो, ठीक है, और कीबोर्ड पे भी आ गया है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं, अभी सब कुछ ठीक है बिंदास, मतलब सब कुछ चल रहा है, ये देखो बायस इसका वर्किंग है, ये देखो बायस इसका वर्किंग है, सब ठीक है। तो अगर हम इसको मतलब 15 मिनट्स चला के रखेंगे ऐसे, तो क्या हो रहा है, यूएसबी का जो ये एलईडी है, लाइट है, ये जो एलईडी है, सॉरी ब्लार हो रहा है भाई, नमलॉक का जो एलईडी होता है यहाँ पर, ये वाला एलईडी, ये ऐसे बंद हो रहा है और माउस का लाइट भी चला जा रहा है, ठीक है, मतलब यूएसबी डिसकनेक्टेड हो रहा है टोटली। और मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप ओपन करके रखे हो तो वहीं पर ही मतलब रह जाएगा, मतलब आप तो माउस चला नहीं सकते हो, कीबोर्ड भी चला नहीं सकते हो, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है। तो देखो बेसिकली मैं पॉइंट पे आता हूँ, ऐसा अगर प्रॉब्लम इस बोर्ड पे आता है तो ये इस बोर्ड में ज़्यादातर अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो आपको दो तीन चीज़ ऐसे चेक कर लेना है। पहले तो देखना है इसका जो लैन आईसी है, ये हिट हो रहा है कि नहीं, अगर लैन आईसी आपका इस बोर्ड में हिट हुआ तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दूसरा साउंड आईसी रहता है इसका, वो भी एक बार चेक कर लेना है, और साउंड आईसी होता है इसका, यहाँ पर ये है साउंड आईसी और ये है लैन आईसी, तो ये दोनों आईसी हीटिंग है या नॉर्मल है, तो ये दोनों आपको चेक करना है, फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो आप बायोस पे ट्राई मत करो, बायोस से ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर जेनरेट नहीं होता है, पर कभी कभार हो भी सकता है, बायोस से भी प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, ठीक है। मी रीज़न के वजह से, ये बायोस का मी रीज़न अगर थोड़ा बहुत उसमें मतलब खराबी हो, क्रप्टेड हो, तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है, पर बायोस से प्रॉब्लम बहुत ही कम आता है इस बोर्ड में, और एक वजह से आपको इस बोर्ड में प्रॉब्लम आएगा। तो ये दोनों आईसी तो लगभग सही है, कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। तो और एक प्रॉब्लम आ सकता है इसका साउथ ब्रिज से, तो इसको हम साउथ ब्रिज, इसको FCH बोलते हैं, तो इसको खोल के हम एक बार सिंपली देखेंगे कि ये क्लीन है या फिर डस्ट है या फिर क्या है। अगर क्लीन है तो ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे, और अगर डस्ट कितना है, अभी भी मैंने कुछ भी नहीं देखा है इस बोर्ड को, पर मुझे कहा गया है कि ऐसा ही प्रॉब्लम है, तो उसके बेस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फ़ोन को मैं एक काम करता हूँ, इधर घुमा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो इसका जो हीट सिंक है उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये टोटली उठ गया, ये है इसका FCH।
देखो लगभग डस्ट है, बहुत बहुत है, पर चारों साइड पे नहीं है, दो साइड पे तो दिख रहा है मुझे। बाकी एक सेकेंड, ये सारा डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखो क्लियर दिख रहा है, तो कैसे दिखाऊं भाई, ये देखो इसका अंदर। तो मैंने सोचा था यही से ही हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। 100% में से 90% कह सकता हूँ मैं कि अगर प्रॉब्लम जेनरेट हो रहा है तो यही से हो रहा है। 10% में नहीं कह सकता, क्योंकि इसको क्लीन करके मुझे 15 मिनट्स इसको चला के देखना पड़ेगा, फिर हम श्योर होंगे कि यही से ही हो रहा था या फिर कुछ अदर इशू है या फिर बायस रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पर क्लियर देख सकते हो इस साइड में कितना, मतलब अंदर तक घुस गया है, इसका बॉल के अंदर घुस चुका है, और इस साइड में क्लीन है, इस साइड में थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है इस साइड में, और ये जो साइड है इस साइड में हल्का फुल्का है, हल्का फुल्का सा है। तो इसको पहले लिक्विड से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। अगर देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस टाइप के बोर्ड में अगर आपका इस ब्रिज रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे टाइप के अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखो स्टक होने का बहुत सारा रीज़न होता है, तो वो टाइम देख के आपको पता चलेगा कि टाइमिंग के हिसाब से ये स्टक का जो रीज़न है ये कहाँ से हो रहा है, ये टाइम देख के पता लगता है, ठीक है। तो ये जानने के लिए ये मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत, पर कितना टाइम पे ये जाके स्टक हो रहा है, मतलब हैंग हो रहा है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि बोर्ड में कहाँ पर इशू है। तो ये बहुत लंबा केस को मतलब सब्जेक्ट है, तो ये एक दिन में समझाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काम करते करते आप ह्यूज काम करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, धीरे धीरे चलने लगेगा कि प्रॉब्लम स्टक का जो प्रॉब्लम है वो कौन सा सेक्शन से हो रहा है। तो देखो छोटा सा एक बात बता दूं, अगर बोर्ड ऑन करने के साथ साथ मतलब 30 सेकेंड, 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम होता, तो ये जो ब्रिज है ये बहुत हीट हो जाता, ठीक है। तो ये ऐसे अगर हाथ रखते हीट सिंक के ऊपर से, तो आपका हाथ में मतलब आप फील कर सकते हो कि ये बहुत हीट है। तो ऐसा अगर हीट हुआ तो आपका 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड के अंदर ही पता चलेगा, बोर्ड स्टक हो जाएगा। तो उस टाइप के केस में आप रिबॉल, विदाउट रिबॉल में, रिबॉल से मतलब रिबॉल ना करके आप इसको रेडी नहीं कर सकते हो, इसको रिप्लो करके कोई फायदा नहीं है। पर इस टाइप के केस में और एक होगा, अगर कोई भी कैपेसिटर मतलब पोलर कैपेसिटर अगर शॉर्ट है, तो भी ये कम टाइम के अंदर ही आपका स्टक हो जाएगा। और ये लॉन्ग टाइम का जो स्टॉक है अभी इससे हो रहा है मे बी, बट 90% में कहा मैं श्योर हूँ, पर 10% नहीं हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत हीटअप कर दूंगा, ठीक है, पीसीबी के नीचे से, तो ये अगर रेडी हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो लॉन्ग टाइम चलेगा ये बोर्ड। तो इस टाइप का हीटिंग में क्या होता है, आपका बोर्ड जो है वो मतलब शॉर्ट टाइम नहीं चलेगा कि 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसा नहीं है, मतलब चल जाएगा आराम से, 6 मंथ, 1 ईयर भी चल सकता है, ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। तो देखते हैं, तो यार थोड़ा कम करना है, तो अभी मैं 350 पे इसको हीटअप कर रहा हूँ बोथ साइड से, ठीक है। नीचे से ज़्यादा करूँगा, ऊपर से नहीं करूँगा, हल्का करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी मैंने लिक्विड डाला है, तो
देखो पहले मैं दिखा सकता था इसको कि ये स्टक हो रहा है, पर मैंने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उसमें लॉन्ग टाइम चला जाता, मुझे 20 मिनट चला के रखना पड़ता। अभी जो है ये करके मैं इसे वीडियो को पॉज करके डिनर करूँगा, उसके बाद देखूँगा कि ये कीबोर्ड पे लाइन जाता है या फिर स्टक होता है कि नहीं। मेरा मतलब एक ही काम में दो काम हो जाएगा, डिनर भी हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा। बस इससे ज्यादा रिफ्लो नहीं करना है इसको, और गर्म है बहुत। गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने को देंगे, बोट को ऑन करेंगे। बस इसको लगा दिया, अब क्या है, इसको ऑन करना है। बस डिस्प्ले कनेक्ट करना है, यूएसबी कनेक्ट करना है, माउस भी कनेक्ट करना है। कर दिया, और बीजीए को भी कनेक्ट करना है। ठीक है, वैसे तो कोई कोड नहीं आएगा इस बोर्ड में, तो यहाँ पर टीपीएम पोर्ट है, पर ये जो माइक्रो टीपीएम है, इसमें ये यूनिवर्सल डीबग कार्ड नहीं लगेगा। इसके साथ कुछ मतलब एक्स्ट्रा जैक आते हैं कॉर्ड, वो लगाना पड़ेगा, तो बाद में लगाएंगे, चला देते हैं। कुछ सॉकेट आता है इसके साथ, वो सॉकेट के अंदर ये डालना होता है, उसके बाद वो मिनी सॉकेट है, उसके बाद वो सॉकेट इसमें जाएगा। ठीक है, तो देखो डिस्प्ले हमारा जो है बोर्ड में अभी भी है, आ चुका है, और कीबोर्ड पे भी लाइन आ चुका है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है, तो अभी टाइम देखो लगभग 12:05 हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही चलाएंगे, मतलब 12:30 तक मैं आता हूँ। ठीक है, 12:30 तक मैं 12:30 मतलब 12:30 PM होगा या क्या होगा भाई, 12:30 बजे तक। ठीक है, देखना है इसको। अभी एम हो चुका है, चलो मतलब 12:30 AM तक देखना है। ठीक है, तो लगभग हो चुका है, तो कितना हुआ है, तो लगभग 40 मिनट्स हो चुका है। ठीक है, तो
देख सकते हो अभी डिस्प्ले अभी भी स्टे है और कीबोर्ड भी अभी भी काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स हो चुका है। तो लगभग देख सकते हो कितना टाइम हो चुका है, अभी 40 मिनट हो चुका है। ठीक है, तो वैसे ही चल रहा है, मेरा तो डिनर हो गया। तो अभी जो है ये स्टक प्रॉब्लम ये मेरे ख्याल से सॉल्व हो चुका है, क्योंकि 15 मिनट बाद ही हो रहा है या फिर 20 मिनट के अंदर ही हो रहा था। तो अभी लगभग 40 मिनट हो चुका है, अभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। तो इसको मैं फाइनली देखता हूँ, ठीक है, कल तक और एक बार देखूँगा, इसमें OS डालूँगा, OS डाल के फाइनल देखूँगा। अगर ठीक ठाक रहा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।